तो आप सबका स्वागत है। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 19033 वलसाड से अहमदाबाद जाने वाली वलसाड अहमदाबाद गुजरात क्वीन एक्सप्रेस। और ये रूट है वेस्टर्न बे रूट, और ये एक्टिविटी जिन्होंने बनाई है उनका नेम है मिस्टर हमजा मिठाई वाला। तो ये है गुजरात क्वीन एक्सप्रेस का पार्ट 2। तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपने पार्ट 2 को। और आज जो हमने ये एक्टिविटी में जो लोकोमोटिव यूज़ किया है, ये अपना वडोदरा वेप्सॉन लोकोमोटिव है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, वेप्सॉन लोकोमोटिव BRC शेड का वेप्सॉन यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं आगे BRC वेप्सॉन के साथ, अपने पैसेंजर व्यू में आते हैं, SLR कोच में जर्नी करते हैं। और नेक्स्ट स्टॉपेज हमारा रहेगा नवसारी स्टेशन, जो यहाँ से 15.3 किलोमीटर लेफ्ट। तो फटाफट नवसारी स्टेशन पे पहुँचते हैं। और जो पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर देखिएगा पार्ट 1 जाके, बहुत ही बढ़िया बना है। और ये वीडियो पे मुझे 30 लाइक चाहिए, तो ये वीडियो को एक दिन में 30 लाइक प्लीज़ करवा देना, ये मेरा लाइक गोल है। और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना, सब्सक्राइब करने के बाद आएगा। तो मैं जब भी कोई नई वीडियो डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं क्या है कि हफ्ते में 3-4 बार लाइव आता रहता हूँ, आप सबसे बात करता रहता हूँ, लाइव सबसे बात करता हूँ। तो अगर आपने जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, क्योंकि तभी आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिल पाएगा। सब्सक्राइब करके बेल दबाओगे तभी। चलो अपनी एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं। हमारी जो स्पीड है वो 110 होने ही वाली है, तो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके जो है वो टोटल पावर रिलीज करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो है हमारी वो 110 किलोमीटर पर आवर की है। और कोई स्टेशन को भी हम स्किप मार रहे हैं, तो देखते हैं कौन सा स्टेशन है। आगे भी कोई लेवल क्रॉसिंग भी गई है, तो ये अंचली स्टेशन। तो अंचली स्टेशन को बहुत ही बढ़िया स्पीड में हमने स्किप मारा, अराउंड जो हमारी स्पीड थी वो 110 किलोमीटर पर आवर फ्लैट मेंटेन हो रही है। और नवसारी स्टेशन पे हमें 4:48 पे पहुंचना है, 4:48 को। तो वहाँ पे हमारा नवसारी स्टेशन पे 2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा, और ये एक्टिविटी रहेगी हमारी सूरत स्टेशन तक। तो 40% से भी कम टोटल है, और हमारी जो स्पीड है वो 110 के ऊपर चली गई। चलो फिर से 40% करते और देखते हैं, अब भी जा रही है जो हमारी स्पीड है, तो 30% ही टोटल पावर रखते और देखते हैं कितनी स्पीड जो है वो मेंटेन हो पाती है। जैसे वेस्टर्न बे रूट है तो कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ग्रेडियंट नहीं है। तो बहुत लोग बोलते हैं कम बोला करो, तब तो से मैं कम बोलूँगा। आप जो है वो साउंड इंजॉय करना, क्योंकि साउंड भी कुछ लोगों को लगता है कि मैं बहुत बोलता हूँ, कमेंट में लिखते रहते हैं कि थोड़ा कम बोलो, तो थोड़ा कम बोलेंगे आप। आई होप साउंड इंजॉय करो जो गेम के है वो। वडेचा स्टेशन को हम स्किप मार रहे हैं, वडेचा स्टेशन को। और वडेचा स्टेशन पे चलो रेल फैनिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। और यहाँ पे कोई ट्रेन को भी हम ओवरटेक मार रहे हैं, ये मुंबई अहमदाबाद पैसेंजर ट्रेन। तो देखते हैं कौन से लोकोमोटिव के साथ है, लास्ट के SLR कोच के साथ हम चल देंगे हम, और देखेंगे। चलो लास्ट के SLR कोच पे चलते हैं। और यहाँ पे मुंबई अहमदाबाद पैसेंजर ट्रेन को हम ओवरटेक मार रहे हैं वडेचा स्टेशन पे। तो WG5 लोकोमोटिव था, और पीछे कोई ट्रेन भी गई है, 04 चंडीगढ़ बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन हमें क्रॉस दी है, ट्रेन नंबर नहीं पढ़ पाया मैं।
चलो आगे देखते हैं। 7.3 किलोमीटर ही लेफ्ट रह गया है। तो चलो थोड़ी देर में अब हम नवसारी स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। आई होप आप इंजॉय कर रहे हो। किलोमीटर नवसारी स्टेशन लेफ्ट और फ्लैट मेंटेन की हुई हमने स्पीड, अच्छी बात है। और बहुत ही बढ़िया ट्रैफिक के साथ ये एक्टिविटी है। अगर आपने नहीं खेली तो इसका जीप नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो इसकी जीप फाइल और खेल सकते हो बाद में। पहले ये वीडियो देख लो। अपोजिट लाइन का सिग्नल देखते हैं, अपोजिट लाइन का सिग्नल है ग्रीन, तो देखते हैं सामने से कौन सी ट्रेन आती है। चलो नवसारी स्टेशन आ ही गया है और काफ़ी बिफोर टाइम पहुंचने वाले हैं नवसारी स्टेशन पे। अच्छी हमने जर्नी की, 110 ही चलाया। गांधी स्मृति स्टेशन है जिसको हम स्किप मारेंगे, गांधी स्मृति स्टेशन। नवसारी स्टेशन थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, तो टोटल पावर जो है वो हमने रिलीज कर दिया है और ब्रेक्स लगाते हैं। अब वैसे तो हमारे वेबसाइन के बहुत ही बढ़िया ब्रेकिंग पावर है, पर ब्रेक्स दूर से ही लगा देंगे क्योंकि हमारे पास टाइम है, तो सडन ब्रेकिंग नहीं करनी है। तो टाइम है तो सडन ब्रेकिंग नहीं करेंगे, आराम आराम से एकदम से ब्रेक लगाएंगे ताकि जो अंदर बैठे हुए जो पैसेंजर हैं उनको झटका ना लगे। अगर उनको झटका लगता है तो वो चिल्ला देंगे हम पे आके, तो हमें नहीं करना है वो कि पैसेंजर नाराज हो जाए। चलो और ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे हमें। नवसारी स्टेशन के मेल लाइन पे हमें डाला गया है। कोई वो हॉपर स्टोन खड़ा हुआ है नवसारी स्टेशन के लूप लाइन पे।
साउंड इंजॉय करो आप। मैंने जो जो है थोड़ी गेम की जो साउंड है वो बढ़ा दी है, तो थोड़ा आप साउंड भी इंजॉय कर सकते हो। तो क्योंकि स्लो ट्रेन हुई है तो ट्रैक साउंड भी जो है वो धीरे हो जाएंगे, तो थोड़ी ट्रैक की साउंड मैंने बढ़ा दी है। बिफोर टाइम हमने अराइवल किया है तो वेट करना पड़ेगा हमें कुछ और कुछ देर ज़्यादा, तो वेट करेंगे हम यहाँ नवसारी स्टेशन पे सिग्नल के पास जाके रुकेंगे। ग्रेडियंट पे नहीं है तो थोड़ा ब्रेक रिलीज करके ही खड़े रहते हैं। बिफोर टाइम हमने अराइवल किया है तो अच्छी बात है कि हम जो है वो बिफोर टाइम पहुंच गए। और ये लेवल क्रॉसिंग वाले क्यों अभी गेट खुला है लेवल क्रॉसिंग तो भी नहीं जा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। और ये भाई कचरा उठाने वाले ट्रक लग रहा है मुझे तो, पीछे बस भी खड़ी है भाई, पैसेंजर को देरी हो रही है भाई कचरा उठाने वाले ट्रक। अभी हमारी ट्रेन चल रही होती तो तुम हमारी ट्रेन को निकल निकल के तोड़ रहे होंगे होते, यानी कि जा रहे होते। और यहाँ पे कोई ट्रक खड़ा है, ये भाई ट्रक तुझे माल टाइम पे नहीं पहुँचाना क्या, क्या बात करते हो। चलो सिग्नल मिल चुका है हमें, तो अब होगा लेवल क्रॉसिंग बन, आप देख सकते हो पीछे भी है। हाँ हाँ ओड़ी तो देखो आप, ओड़ी गाड़ी मैं दिखाता हूँ आपको, ये है अपनी ओड़ी, क्या बात है ओड़ी। पीछे और कोई बस खड़ी है, कहाँ जा रहे हो भाई, बस में क्यों ट्रैवल कर रहे हो, सब आ जाओ हमारी ट्रेन में, आपको बिफोर टाइम सब जगह पहुँचा देंगे। हाँ ये बिफोर टाइम पहुँचा देंगे। और पीछे कहाँ, ये हम ज़मीन में बहुत घुस जाते हैं, एक प्रॉब्लम है हमारे में। ओहो काफ़ी ट्रैफिक सुबह सुबह हो चुकी है नवसारी स्टेशन पे। ओहो बड़े बड़े ट्रक्स जा रहे हैं सिटी में से, क्या बात है। चलो अपनी ट्रेन की तरफ चलते हैं। और सामने से गुजरात मेल आ रहा है, वाई गुजरात मेल यू आर रनिंग टू मच लेट, आई थिंक थोड़ा सा लेट चल रहा है हमारा गुजरात मेल विथ वैपसान लोकोमोटिव। नवसारी पे इसका स्टॉपेज होगा, तो वैपसान आप देख सकते हो यहाँ पे इसका स्टॉपेज है, ये ब्रेक्स लगा रहा है वैपसान। तो आई थिंक गुजरात मेल जो है वो थोड़ा लेट चल रहा है क्योंकि 6 बजे के करीब ये मुंबई सेंट्रल पहुँचता है, तो तकरीबन इसके पास सिर्फ अभी जी 1 घंटा ही है, तो काफ़ी लेट चल रहा है हमारा गुजरात मेला। 2 बजे सूरत आता है, तो गुजरात मेल की भी हमने एक्टिविटी खेली है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। और हमारे जाने का टाइम हो चुका है, तो चलो चलते आगे, गुजरात मेल जाएगा वो, उसके वो लोको पायलट जो है वो उसको लेके जाएंगे, हमें तो वेट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या है कि हमारी ट्रेन कोई और लेके नहीं जाएगा अगर हम उसको देखने बैठेंगे तो। तो नेक्स्ट कोर स्टॉपेज है हमारा मरोली स्टेशन, जो यहाँ से 9.3 किलोमीटर लेफ्ट। % जो है वो टोटल पावर हमने ओपन कर दिया है,
आपसे पूछा था कि ये ऑप्शन का हॉर्न कैसा लगा, सिर्फ मेरे को एक ही का रिप्लाई आया कि अच्छा है। वो हमारे जो है वो दिल्ली के व्यूअर है, नाम भूल गया अपना, क्या नाम है उनका, जो WDP 4D के साथ राजधानी चलाने को बोल रहे थे, संजय सुथार जी। तो आपको ये हॉर्न पसंद आया? मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। एक पेड लोकोमोटिव में आप ये हॉर्न दोगे तो ज़रा भी पसंद नहीं है ये हॉर्न। ये हॉर्न तो हम नॉर्मली यूज़ करते ही है, तो एक पेड लोगों में अगर आपको ये हॉर्न मिले तो आपको अच्छा लगेगा? मुझे तो ज़रा भी नहीं लगेगा, साफ बात है। चलो ले जाते हैं अपनी ट्रेन को फटाफट से 110 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड पे, और यहाँ पे भी मरोली स्टेशन पे भी बिफोर टाइम पहुँचने की कोशिश करते हैं। ये एक्सप्रेस ट्रेन ना हो के मुझे तो ज़्यादातर पैसेंजर ट्रेन लग रही है, और मरोली स्टेशन पे हमारा ओवरटेक भी होने वाला है, देखते हैं कौन सी ट्रेन आती है पीछे से जो हमें ओवरटेक करती है। और अब आ गया हमारा ओवरटेक खाने का टाइम मरोली स्टेशन पे, क्योंकि आगे ट्रैक मॉनिटर में आप देख सकते हो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमें लूप लाइन पे जाना है। तो चलो कोई बात नहीं, ओवरटेक भी खा लेंगे हम। वैसे हम नाश्ता करके नहीं आए थे सुबह सुबह, जल्दी हमारी ट्रेन निकल रही थी, तो चलो कुछ नया सही ओवरटेक खा लेते हैं। एकदम से ट्रैक साउंड कहाँ चले गए यार, आई डोंट नो व्हाई। ओके चलो आ गए वापस। तो ये थोड़ा ट्रैक साउंड में प्रॉब्लम लग रहा है, देख लेंगे बाद में इसमें क्या प्रॉब्लम है। चलो 2 किलोमीटर के बाद हमारा ट्रैक चेंज है, तो थोड़ा अपना टोटल पावर पूरा रिलीज ही कर देते हैं, और जब हम अपना ट्रैक चेंज करेंगे तब अपनी स्पीड को रखेंगे 30 किलोमीटर पर आवर के आजू बाजू, तो धीरे धीरे ब्रेक्स लगाना चालू कर देते हैं ताकि सडन ब्रेकिंग हमें ना लगानी पड़े। तो सडन ब्रेकिंग ना लगानी पड़ी उसकी वजह से यहाँ पे मैंने जो है वो थोड़ा टोटल पावर जो है वो बंद कर दिया है, और धीरे धीरे ब्रेक्स लगाना चालू कर दिया है। येलो सिग्नल, और हमारी स्पीड आप देख सकते हो 70 किलोमीटर पर आवर के आजू बाजू मेंटेन हो रही है।
यहाँ देखेंगे कि हमें कौन सी ट्रेन जो पीछे से आ रही है वो ओवरटेक करती है यहाँ मरोली स्टेशन पे। तो फटाफट पहुँचते हैं मरोली स्टेशन पे और देखते हैं कौन सी ट्रेन जो पीछे से आ रही है वो हमें ओवरटेक मारने वाली है। लूप लाइन पे जाना है तो 30 किलोमीटर पर आवर के आजू बाजू की स्पीड लिमिट हम रखेंगे मेंटेन। ट्रैक साउंड आई होप आपको सही से आ रहे होंगे। मरोली स्टेशन पे हम एंटर करते हैं और फटाफट लेते अपनी ट्रेन को लूप लाइन पे। थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं, अगर मेन लाइन का स्टॉपेज हमें मिला होता तो क्या है कि हम लेट नहीं होते, क्योंकि लूप लाइन पे जाना था तो हमने थोड़ी सी स्पीड जो है वो रिड्यूस भी कर दी थी। अब पीछे से कोई ट्रेन आएगी और हमें वो एक मारेगी। ऑलरेडी हमारी मेन लाइन का सिग्नल जो है वो ग्रीन हो चुका है। देखते हैं अभी भी कोई ट्रेन नहीं आई है तो वेट करना पड़ेगा हमें जब तक कि पीछे से कोई ट्रेन नहीं आ जाती। और ब्रेक्स लगा देते हैं यहाँ पे, काफ़ी सिग्नल के पास आके रुक गए हैं हम। और मरोली स्टेशन है ये और यहाँ पे पीछे से आ रही है 22209 बांद्रा टर्मिनस न्यू दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस। तो ये देख सकते हो कि 22209 न्यू दिल्ली बांद्रा टर्मिनस न्यू दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस है। तो एक्सन लोगों को हमें जो है वो ओवरटेक मार रही है मरोली स्टेशन पे, अभी खतरनाक स्पीड में गई है तो जाने दो। वैसे भी वो NHB5 ट्रेन थी और हम हैं ICF तो हम तो 110 के ऊपर नहीं चल सकते। वो बम भमाट करके निकल गई सटासट करके, हमें तो पता भी नहीं चला। और दुरंतो थी तो काफ़ी शॉर्ट दुरंतो है, यानी कि शॉर्ट यानी कि वो कोचिस कम है। शॉर्ट यानी कि ऐसा मत समझना कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है। अराउंड जो है वो 1000 किलोमीटर प्लस की जो दूरी है वो तय करती है। 1200 किलोमीटर आई थिंक दूरी है अपनी मुंबई से लेके दिल्ली तक। और हमारी जो पूरी ट्रेन है वो नहीं आई है प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि है हम अभी लूप लाइन पे। अगर मेन लाइन पे होते तो आई थिंक तो भी SLR कुछ तो हमारा जो है वो रह ही जाता बाहर। फिर से देखते हैं, ऑपोजिट लाइन का सिग्नल येलो हो चुका है तो अब हो रहा है हमारे दूसरे ओवरटेक का टाइम मरोली स्टेशन पे। तो फिर से देखेंगे कौन सी ट्रेन हमें ओवरटेक करती है मरोली स्टेशन पे।
तो आ रही है 22413 मडगांव हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस, जिसे WP7 लोकोमोटिव, तो WP7 लोकोमोटिव के साथ मडगांव न्यू दिल्ली हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस हमें ओवरटेक मार रही है। बरौली स्टेशन पे बैक टू बैक को हमारे दो ओवरटेक होते हुए, तो बैक टू बैक हमारे दो ओवरटेक होते हुए मरोली स्टेशन पे, तो अभी भी आई थिंक अभी सिग्नल नहीं मिला है, आई होप जल्दी से मिल जाए मरोली स्टेशन पे हमें सिग्नल। सूरत के लिए अभी हमें 1 2 3 3 अभी भी स्टॉपेज बाकी है हमारे सूरत के लिए। चलो कोई बात नहीं, तो बैक टू बैक हमें वेट करना पड़ेगा, तो अभी भी सिग्नल नहीं मिलेगा हमें। और ऑपरेटर लाइन की अपनी मेन लाइन का सिग्नल फिर से जाके हम देखेंगे कि क्या है उसका एस्पेक्ट। तो तीसरा भी हमारा वो ओवरटेक होने वाला है, तो देखते हैं तीसरी कौन सी जो ट्रेन है वो हमें ओवरटेक करती है मरोली स्टेशन पे। फिर से पीछे जाएंगे, आई होप जल्दी से वो आगे जो ट्रेन गई है वो इसका रास्ता क्लियर कर दे, क्योंकि अच्छी स्पीड में अगर ओवरटेक होगी तो मज़ा आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं आपकी मेन लाइन का सिग्नल जो है वो हो चुका है ग्रीन, तो देखते हैं अब कौन सी ट्रेन आती है और हमें ओवरटेक करवाती है, यानी कि ओवरटेक करती है हमें। तो ओवरटेक करवाने के लिए बैठा ही दिया गया है, और पीछे से आ गई है 12431 तिरुवदम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस, आई थिंक डीजल लोकोमोटिव के साथ होनी चाहिए, हाँ EMD लोकोमोटिव है। तो मरोली स्टेशन पे बैक टू बैक ओवरटेक होते हुए दिस टाइम 12431 तिरुवदमपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस। ये तीसरा ओवरटेक हुआ है हमारा सेम स्टेशन पे मरोली स्टेशन पे, अब देखते हैं और कितने ओवरटेक होने बाकी है। ये ब्रॉडगेज जो प्रोडक्शन की WP7 में जो है वाइपर जो है वो हमने चालू कर दिए थे, आई डोंट नो आई क्यों इसमें वाइपर्स जो है वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाते हैं, प्रॉब्लम है थोड़ी सी इसमें। फिर से देखते हैं मेन लाइन का सिग्नल फिर से येलो हो चुका है, मैं जाके दिखाता हूँ आपको, आई होप जल्दी से सिग्नल मिल जाए। हमने काफ़ी मेहनत की अपनी ट्रेन को ऑन टाइम रखने की, पर ये टाइम ही कुछ ऐसा है। चलो सिग्नल मिल चुका है, पर थोड़ा आगे जाके अपने ट्रेन को रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो बैक टू बैक ओवरटेक्स होते ही रहेंगे हमारे। आगे थोड़ा ले लेते छोटे छोटे दो सिग्नल छोड़ के खड़े रखते अपनी ट्रेन को, अगर सिग्नल मिलना होता तो मिल जाता हमें, पर पीछे से कोई ट्रेन आ रही है इसके जाने के बाद हमें डेफिनेटली सिग्नल मिल जाना चाहिए। तो पीछे से आ रही है हमारी बांद्रा टर्मिनस जामनगर हम सफ़र एक्सप्रेस विथ WP4 लोकोमोटिव,
बांद्रा टर्मिनस जामनगर एक्सप्रेस ने हमें चौथा ओवरटेक किया मोरोली स्टेशन पे। तो चलो आई होप जल्दी से सिग्नल मिल जाए और हम चल दे फटाफट से। वैसे तो हम दो सिग्नल छोड़ के खड़े रहे, अब कोई चांस नहीं है कि पीछे से कोई ट्रेन आए और हमें ओवरटेक करे। चलो हमें इंडिकेटर में भी दिखा दिया गया है कि आपके लिए ट्रैक सेट हो चुका है, पर अभी हमें जो है वो सिग्नल नहीं मिले है। वैसे हम जा सकते हैं, थोड़ा जो है वो परमिशन ले के, पर कोई फ़ायदा नहीं है। परमिशन नहीं मिली, ओके। तो सामने से आ रही है अपनी 59460 वेरावल बांद्रा टर्मिनस पैसेंजर ट्रेन। तो वेरावल बांद्रा टर्मिनस पैसेंजर ट्रेन कब से चलने लगेगी, आई डोंट नो। चलो मरोली स्टेशन से निकलते हैं। तो चलो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, आगे की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको एक बार ही प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो पूरा देखा है तो लाइक तो बनता ही है। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।